प्रिय दोस्तों नमस्कार, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए है, इस बार के एग्ज़ाम के लिए 2020 के लिए जो परीक्षा है बिहार बोर्ड के, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी सब्जेक्ट आपका गणित यानी मैथमेटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आराम से बोर्ड एग्जाम में 60 से 70% मार्क्स को अर्जित कर पाएंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज़्यादा रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कहीं से भी 85 क्वेश्चन का उत्तर देना रहेगा जिस 100 मार्क्स वाले में। तो मैथ का क्वेश्चन, मैथ का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपको गणित का, वो 100 मार्क्स का होने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या 60 रहेगी, उसमें से कहीं से भी आपको 50 बनाना है, और सब्जेक्टिव आपका लघुतरीय और दीर्घोतरीय प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF आपको निकालना है। ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं बहुत ही परिश्रम करने के बाद इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिखा और आप लोगों के साथ यह हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन जो जिसको हम लोग लेमा मेथड बोलते हैं। तो पहला 420 और 130 के बीच का HCF निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255 के बीच के निकालना है। दो नंबर क्वेश्चन है HCF 657 का HCF आपको 9 दिया गया है और LCM इसका ज्ञात करना है। अगर जी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके और भी इसके सॉल्यूशन का वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि इसमें हमारी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण यह वीडियो आपके 2-3 पार्टों में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो 2-3 पार्टों में आप लोगों को मिलेगा ही, क्योंकि पहले पार्ट में 10-15 या 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने मैथ के पूरे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा। तो आपका चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको सिद्ध करना है निम्न संख्या अपरिमेय है, यानी आपको जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आपका प्रश्न है इसमें से 5-√3, दूसरा √3 और 7√5 है। चार नंबर क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी शून्य के इसमें से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, पहला क्वेश्चन है x² + 7x + 10, दूसरा है x² - 3, तीसरा है 2x² - 8x + 6, चार नंबर है 3x² + 5x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाँच नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इस प्रकार दिए होंगे। शून्यकों का योगफल आपका क्या है, 4 है, और शून्यकों का गुणनफल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x⁻⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए जितने पावर रहेंगे उतने ही इनके शून्य होते, उतने ही संख्या इसके शून्य होते। तो पावर 4 है तो इसको इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। ज्ञात करनी है यदि आपको इसके दो शून्य, आपको दो शून्य इसमें ज्ञात है, दिया गया है, और दो शून्य आपको निकालने हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x के शून्यक a - b, a और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या है आपका, ये त्रिघात बहुपद है, इसके शून्य इस प्रकार दिए हैं और इसमें से a और b का मान आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न द्विघात समीकरण को मूल्य ज्ञात करना है, जो द्विघात समीकरण है इनका मूल्य ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 3x² - 2√6x + 2 = 0, दूसरा है 2x² - 2√x + 1 = 0, इसका 2x² + x - 6 = 0 है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो दो धनात्मक क्रमांक, ये धनात्मक यानी प्लस वाला क्रमांक आपको निकालना है। क्रमागत का मतलब कि होता है लगातार, लगातार निकालना है, जिसके वर्गों का योग आपको 365 दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हल करें, यानी है पहला नंबर क्वेश्चन 10 का, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, इसमें है x≠ −4 और 7। इसमें आपको बता रहा है कि x का जो वैल्यू -7 और -7 नहीं होनी चाहिए, यानी नहीं आएगी इसमें से।
दूसरा है 1/x - 1/x - 2 इज इक्वल टू 3। इसमें दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2, यानी x का जो वैल्यू है 0 और 2 नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वह AP निर्धारित कीजिए, यानी आपको इसमें AP निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद 9 है। यानी तीसरा पद कहने का मतलब कि A3 आपको कितना है 5 है और A7 कितना है आपको 9 है। तो इस दो इक्वेशन बन जाएगी जिसमें से आपके ए और डी का वैल्यू निकल जाएंगे और आप आसानी से AP को निर्धारित कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन 12 नंबर, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही है, क्या है, उस AP का 31वां पद आपको निकालनी है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंक वाली कितनी संख्याएं जो होती है कितना से विभाज्य होगी, तो 7 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ये बता रहा है कि ABC एक समद्विबाहु है और इसमें जो कोण C है इसे क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर आपको सिद्ध करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी जो क्वेश्चन आपका 14 नंबर है मानिए इसी का उल्टा आपको बता रहा है, ये आपको दे रहा है AC बराबर BC और इसमें जो सिद्ध करनी थी वह दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि यह बताइए कि यह आपका समकोण त्रिभुज है। तो इस वीडियो में हम लोग 15 ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में अगले क्वेश्चन के बारे में